हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एमपी स्टेट लेवल यूजी काउंसलिंग 2024 जो डीएमई कंडक्ट करवाता है वो स्टार्ट होने वाली है। 12 अगस्त से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। इसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल डीएमई के द्वारा साइट पे अपलोड कर दिया गया है। काउंसलिंग शेड्यूल वाले ऑप्शन पर आप लॉन्ग प्रेस करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रूल बुक यूज़र मैनुअल का ऑप्शन है इस पर लॉन्ग प्रेस करके जो 31 जुलाई को जो नोटिस अपलोड किया गया था मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा अधिनियम 2018 और इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पे, जिसमें जून 2019 को कुछ चेंज किया गया, 5 अक्टूबर 2021 को चेंज किया गया, इस टाइप से कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसको आप डाउनलोड करके और ज़रूर से पढ़ लीजिएगा पूरा, जिससे कि काउंसलिंग में जो भी कुछ नए चेंजेस किए गए हैं वो आपको इस नोटिस में देखने को मिल जाएंगे। 32 पेज का ये नोटिस है, तो इसको आप केयरफुली अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इनमें जो जो भी कुछ करेक्शन किए गए हैं वो अलग अलग नोटिसेस में अटैच किए गए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये 19 जून 2019 को जो चेंज किया गया है वो इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसी में से अलग अलग डेट पर जो जो भी चेंजेस किए गए हैं, ये जो 5 अक्टूबर 2021 को जो चेंज किए गए हैं वो भी इस नोटिस में अटैच है। तो इसको आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले केयरफुली अच्छे से इस पूरे 32 पेज का ये नोटिस है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फॉर फर्दर काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।